है या नफरत हिंदुस्तान से। पाकिस्तान की नीति इन्हें प्यारी लगती है, लेकिन भारत का रुख इन्हें दुखी लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी को ये नालायक कह चुके हैं तो पीएम मोदी को नीच। आरोप तो इन पर 1962 के युद्ध में चीन के लिए चंदा इकट्ठा करने के भी लग चुके हैं, और अक्सर मणिशंकर अय्यर इन आरोपों को पुष्ट भी कर देते हैं। जब भारत पाकिस्तान में तल्खी साफ दिख रही है, पाकिस्तान आतंकी भेज रहा है और भारत के सैनिक शहीद हो रहे हैं, उस वक्त मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। Partition of India was the partition of the Muslims. 200 million here, 200 million there, 200 million in the middle. 600 million Muslim voices as one. It would mean probably the most strong influence in the politics of the 21st century. But we've divided ourselves. So, I believe in India-Pakistan relations being good for one and one reason only. And it has nothing to do with Pakistan. It has everything to do with India. That if this hostility continues, then a salience is created in the Indian mind between Pakistan and Muslims. So, it becomes very easy to tell an Indian Muslim, go to Pakistan. ये बयान उस वक्त आया है जब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में कई भारतीय जवान शहीद हो गए। इससे पहले मणिशंकर अय्यर गुजरात चुनाव के दौरान पीएम मोदी को नीच कह चुके हैं। इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। पीएम मोदी के लिए ये इनका पहला बयान नहीं था। जब वो पीएम नहीं बने थे तब उन्हें चाय वाला कहा था, और जब पीएम बन गए तो पाकिस्तान जाकर उन्हें हटाने के लिए समर्थन मांगा था। दल जुड़ने को तैयार होंगे शायद, लेकिन जबकि मोदी का मुंह देखते हैं वो कहते हैं कि इस बीजेपी से हम हर हालत में हाथ नहीं जोड़ेंगे। तो ऐसे पार्टी को लेकर आप मुझसे कह रहे हैं, और वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में, कि मुख्य विकल्प यही है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। मणिशंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। पाकिस्तान की नीतियों पर बल्लिया उछल रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी के अनुसार मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। पाकिस्तान मोहब्बत का इनका राग यूं ही नहीं है, इन्हें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से भी नफरत करते देखा जा चुका है। 2004 में अंडमान जेल के दौरे के दौरान वीर सावरकर पर की विवादित टिप्पणी। सेलुलर जेल से वीर सावरकर के नाम और उद्धरण से युक्त पट्टिका उखड़वा दी। अय्यर ने 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी को नालायक कहा था। पाकिस्तान ने टीवी चैनल पर मोदी सरकार गिराने में सहायता मांगी थी। 1962 के युद्ध में चीन की सहायता के लिए विदेशों में चंदा जुटाने के आरोप लगे। यानी भारत से ज्यादा भारत के दुश्मनों से प्रेम मणिशंकर की देशभक्ति साबित करता है। प्रधानमंत्रियों के लिए कभी नीच तो कभी नालायक जैसे शब्द उनकी सोच को दिखाते हैं। देखिए, जहां तक मणिशंकर अय्यर जी का सवाल है, मणिशंकर अय्यर जी ने ये गुनाह कोई पहली बार नहीं किया है, वो तो रिपीट ऑफेंडर हैं। इससे पहले भी वो पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान में जाकर उन्होंने कहा था कि मोदी जी की सरकार को गिराना होगा। सलमान खुर्शीद जी ने भी पहले पाकिस्तान में जाकर कहा था कि नवाज शरीफ तो अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं भारत में जो बीजेपी की सरकार है, गलती उसकी है। हमने यह भी देखा था कि कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार राहुल गांधी जी ने खून की दलाली कह के आर्मी के मनोबल को गिराने की कोशिश की थी। सड़क का गुंडा कहा गया था जनरल बिपिन रावत, जो कि आर्मी के अध्यक्ष हैं, आर्मी के चीफ हैं, संदीप दीक्षित द्वारा। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस
की एक मानसिकता है, जहां तक आर्मी और जहां तक हिंदुस्तान का विषय है पूरा भारत उनका। ऐसे में मणिशंकर अय्यर की देशभक्ति पर सवाल कोई और नहीं, वो खुद ही उठा रहे हैं। जब दुश्मन की नीति और नियत उन्हें प्यारी लगती है और भारत पर सवाल उठाने में उन्हें सुख मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।